नैन तुमको पता है कितना लड़ी हूँ मैं तुम्हारे चक्कर में। हमारी सास ने कह दिया था कोई गुलशन आरा नहीं जाएगी, पर नैन भी अड़ गई, साफ साफ बोल दिया कि अगर समन जाएगी तो मेरी दोस्त गुलशन भी जाएगी। मैं तो अड़ गई भाई। वैसे ना इतना बुरा मुंह बनाया मेरी सास ने, इतना बुरा मुंह बनाया इस बात पे कि मैं बता नहीं सकती। वैसे भी मैंने एक बात देखी है, तुम्हारी सास को ना मैं बहुत खलती हूँ। अरे पता नहीं काय को इतनी बुरी लगती हूँ, मैंने क्या बिगाड़ा इनका? बहुत बुरी लगती है तू, बहुत चिड़ खाती है, और शहनाज आती है ना उससे खूब बुराइयां करती है तेरी, और कान भर भर के जाती है शहनाज बड़ी भी के। अल्लाह पूछेगा, देख रहा है मेरा रब। चल छोड़। आई आई। अजय भाई सुनो, सब लोग सफर की दुआ पढ़ लो। अबू हमने तो पढ़ ली थी बैठते ही, आप पढ़ ले और इसको तो ड्राइवर को बोले कि गाने भी लगा देना, और उसको बोलने कि जो नया ड्रामा शुरू है उसको गाना लगाए, बहुत अच्छा गाना है वो। इतना लंबा रास्ता बगैर गानों के कैसे कटेगा भाई? यार रास्ते में आइस बॉक्स लेने। यानी शौकत भाई से बात हुई थी, वो कहते हैं डिफ्रीजर है वहाँ पे। और मेडिसिन बॉक्स रखा? मैंने रख लिया था वासर। यार गाने लगा देना प्लीज। आई छोड़ो ना, अपन लोग खुद ही गा लेते हैं। हाँ चलो वो गाते हैं, ओ चे नीचे रास्ते और मंजिल तेरी दो, राह में आके रुकना जाना हो करके मजबूर, ओ चे नीचे रास्ते और मंजिल तेरी दो। वाओ अब वो वाला गाते हो कैसे? मेरे ख्यालों पे चाही है एक सूरत मत वाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं अता पता मालूम नहीं, कोको कोरीना कोको कोरीना। काली जुल्फे नागन बंद कर देती है रुख पे मेरा, जींस गहरी आंखें जिसकी फूल सा जिसका चेहरा, काली जुल्फे नागन बंद कर देती है रुख पे मेरा, मैं जय दूधा दिल ले मेरे शायन, देखा है तुमको कहीं।